और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति के लोग आज भी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्हें ना बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो पा रही है और ना ही यातायात की व्यवस्था नसीब है। इसकी वानगी छत्तीसगढ़ के एमबीसी जिले में देखने को मिली, जहां पर पंडो जनजाति के एक मरीज को खाट से लटकाकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत कटकोना में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद परिजनों ने मरीज को खाट पर लटकाकर अस्पताल पहुंचाया। ये जो है विकास के गंगा की बात करते हैं, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे ही होंगे कि कितना विकास हुआ है, कि आज भी खाट पर उन्होंने मरीज को लेकर गए, कम से कम 2-3 किलोमीटर अपने पारा से लेकर के रोड में लेकर के गए। और ये लोग विकास का जो बात करते हैं, गंगा बहाने की बात करते हैं, ये लोग रोड बनाते नहीं, रोड को चोरी करते हैं, रोड को खाते हैं। ये कालनेवी टाइप का जो हैं, ये कालनेवी हैं। ये बाकी कोई विकास नहीं हुआ है और ना ही विकास हुआ। और जो मामला संज्ञान में आया है सरी जरिया से पंडो पारा, ये भी बस्टेड है और इसकी भी स्वीकृति हो गई है और आने वाले समय में वो सड़क का भी निर्माण होगा। निश्चित रूप से जो 15 साल का जो गड्ढा है उसको भरने में तो समय लगेगा, और लगभग हमने आपको बताया कि 80% से ज़्यादा हम लोगों ने जितने भी दुरूह क्षेत्र हैं उनको लोकमार्ग से जुड़ने का काम कर लिया है।